का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो हीरो भी वही है, विलन भी वही है, यानी ही इज द प्रोटैगनिस्ट, ही इज ऑल्सो द एंटैगनिस्ट। कहानी का हीरो भी एक ही इंसान है और विलन भी वही इंसान है। इसमें ऐसा कोई बंटवारा नहीं कर सकते आप कि ये हीरो या ये विलन। हीरो भी वही है, विलन भी वही है, इसीलिए कहानी बहुत यूनिक बन जाती है, इसीलिए कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। कहानी शुरू होती है स्वीडन में, जहां पे रैम्स जो आयरन वर्क्स में वो पूरा इलाका है, उस एरिया में हमारा कहानी का हीरो भटकता रहता है। भाई साहब काम क्या करते हैं? भाई साहब बनाते हैं रैट ट्रैप्स, यानी चूहा पकड़ने का जाला वो बनाते हैं, और सॉरी, चूहा पकड़ने के जाले बनाते हैं, साथ साथ चोरियां भी करते हैं, एक बंजारे की जिंदगी जीते हैं, ना परिवार ना फैमिली ना क्या, इधर उधर भटकते रहना। और ऐसे में इनको रियलाइज होता है कि जिंदगी एक रेड ट्रैप है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक रेड ट्रैप बेचने वाला खुद एक रेड ट्रैप में फंसेगा। चलिए कहानी सुनते हैं, सलमा लेगरोफ द्वारा लिखित बहुत खूबसूरत कहानी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पे, ये जरूर देखें। मुझे इसके रिलेटेड एक बोर्ड एग्जाम का 4 मार्क का टॉपिक चलाना है बेटा, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम, आपका यूनिट खत्म होने के बाद ही सही, लेकिन वो जब वीडियो को रिकॉर्डिंग टॉपिक चलाऊं, तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आप एकदम क्लूलेस हो, आप फंस जाओगे पूरी तरह से। इसलिए मेरा सजेशन होगा कि आप लोग ये वीडियो जरूर जरूर देखें, ठीक है? 4 मार्क का टॉपिक। सलमा लेगरलॉफ 1858 में बर्थ हुई, इनकी 1940 में इनकी डेथ हुई, वाज अ स्वीडिश राइटर हु स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। हम इंसानों के अंदर इंसानियत होती है तभी तो इंसान कहलाते हैं, मानवता हमारा एक बेसिक गुण है बेटा, और उसे जगाया जा सकता है, उसे जीवित किया जा सकता है, ये पूरी तरह से मुमकिन है। इसमें कोई शको शुबा नहीं होना चाहिए कि इंसान में इंसानियत जगाई जा सकती, बिल्कुल जगाई जा सकती, पूरी तरह से इंसान में इंसानियत जगाई जा सकती। और उनकी कहानियों के अंदर यही चीज, यही थीम देखने को मिलती। दिस स्टोरी इज सेट अमिट्स, अमिट्स का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, अमिट्स शब्द का मीनिंग होता है इन द मिडिल ऑफ, अमिट्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन rich in iron ore which figure large in the history and legends of that country, the story is told somewhat in the manner of a fairy tale. तो ये आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरी की पूरी कहानी एक फेरी टेल है, मतलब इमेजिनेशन है, परियों की कहानियां जैसे बचपन में हमको दादी माँ सुनाती थी वैसी है। इसमें वास्तविकता का हिस्सा कोई नहीं बता सकता कि कितना है, इसमें वास्तविकता का हिस्सा कोई नहीं बता सकता कि कितना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. छोटे छोटे वायर के बने हुए रैट ट्रैप्स बना के बेचता था, छोटे छोटे वायर के बने हुए रैट ट्रैप्स, चूहे पकड़ने के जाले को रैट ट्रैप कहते हैं बेटा, जिससे चूहे पकड़े जाते हैं उसको रेड ट्रैप कहते हैं। तो वो बना के बेचता था, इधर उधर भटकता रहता। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. तो ये काम क्या कर रहा है? एक तो भीख मांगता है, दूसरा सेलिंग selling small rat traps of wire, wire ke bane hue rat traps bechta. But even so, the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery. Petty thievery matlab choti badi choriyan karna. Ab padh rahe hain yahan pe word likha hua hai thievery, matlab petty matlab choti, thievery yani choriyan. To keep body and soul together, even so his clothes were in rags, phate hue. His cheeks were sunk, गाल अंदर की तरफ दबे हुए, sunk कहते हैं डूब जाना, and hunger gleamed in his eyes, gleam मतलब चमकना,
आप उसकी आंखों में भूख देख सकते थे, उसके गाल अंदर की तरफ झुके हुए। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। मोनोटोनस, बोरिंग, वैगाबॉन्ड बहुत गजब का वर्ड है, बंजारा। एक इंसान जिसका कोई घर ना हो, जो इधर उधर भटक कर अपना जीवन बिताता हो, उसे वैगाबॉन्ड कहते हैं बेटा। एक ऐसा इंसान जिसका कोई घर ना हो, जो इधर उधर भटक के अपना जीवन बिताता हो, उसे वैगाबॉन्ड कहते हैं। तो कहते हैं कोई सोच भी सकता है कि यार ये वैगाबॉन्ड की जिंदगी कैसी हो। बोरिंग सी जिंदगी, हु प्लॉड्स, धीमे धीमे चलना, भटकना, लड़खड़ा के चलना, प्लॉट्स अलोंग द रोड, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन उसे एक विश्वास होने लगा, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको एंटरटेनिंग या सही लगने लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेक्टर्स, वो बैठे बैठे अपने चूहे के जो जाल बनाता था उसके बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया that the whole world about him, the whole world with its lands and seas and cities and villages was nothing but a big rat trap. So, ये board exam में question आ सकता है, what was the belief of the peddler? What was the belief of the peddler? तो peddler का belief क्या था कि the whole world is a big rat trap. Peddler का belief क्या था? The whole world is a big rat trap. ये पूरी दुनिया जो है ये बहुत बड़ा चूहे पकड़ने का जाला है। The whole world is a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits. Baits matlab lalach for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing exactly as the rat trap offered cheese and pork. So, आप अगर चूहे को पकड़ना चाहो तो आप उसके लिए क्या रखते हो? हम तो सिंधी है ना, तो हम तो रोटी रखते हैं। लेकिन कार्टून में आपने हमेशा देखा है कि पनीर का टुकड़ा, चीज का टुकड़ा रखा जाए जिससे अट्रैक्ट होकर चूहा अंदर आ जाए। हमारे घरों में आप देखेंगे, अगर चूहा पकड़ने के लिए मम्मी ने चूहे का पिंजरा लगाया होगा तो हम उसमें सूखी हुई रोटी रखते हैं। लेकिन टॉम एंड जेरी के कार्टून अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग चीज रखते थे। द रेट ट्रैप ऑफ अ चीज एंड पॉर्क, पॉर्क बेसिकली सुअर का मांस होता है, पिग मीट, उसको पॉर्क कहते हैं, पिग मीट को पॉर्क कहते हैं। एंड एज सून एज एनीवन लेफ्ट लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, टेम्प्टेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड, लालच में आ जाना, टू टच द बेट, लालच, इट क्लोज ऑन हिम, इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। तो जैसे ही कोई उसे हासिल करने की कोशिश करता, सब कुछ बंद हो जाता और आदमी फंस गया। वो आदमी उसमें फंस गया बेटा, ये है कहानी। The world had of course never been very kind to him. कहते हैं दुनिया कभी उसके लिए दयालु थी भी नहीं। The world of course had never been kind to him. So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. मैं अंडरलाइन कर दूं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब उसको संसार से कभी सुख मिला ही नहीं था बेटा। जीवन का जो सुख होता है, परिवार, बच्चे, इसका तो कोई था नहीं, ना घर, ना परिवार, ना बच्चे। तो ऐसा समझिए, इसको समझ में नहीं आता था कि दुनिया सुखी क्यों है। अगर मैं दुखी हूं तो दुनिया भी दुखी हो जानी चाहिए, समझे बेटा। अनवांटेड शब्द का मतलब होता है अनयूजुअल, अनवॉन्टेड नहीं, अनवॉन्टेड है, वॉन्टेड, डब्ल्यू ओ एल, अनवॉन्टेड का मतलब होता है अनयूजुअल। उसको एक अलग तरह का ही सुकून मिलता था, खुशी मिलती थी, ये सोच के कि पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाए तो अच्छा। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज, पास्ट चेरिश्ड, मोस्ट लव्ड, ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, थका देने वाला ड्रेरी प्लॉडिंग्स। To think of people he knew who had let themselves to be caught in the dangerous snare
एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट. ये उन लोगों पे हंसता, उन लोगों के बारे में सोचता कि देख ये भी बर्बाद हो गया, ये भी बर्बाद हो गया, ये भी बर्बाद हो गया. दुनिया की बर्बादी देख के इसको खुशी मिल जाती. जो लोग ऑलरेडी स्नेर, अगेन ट्रैप का नया अनदर नेम ऑफ अ ट्रैप, तो जो लोग जाल में फंस जाते हैं उनके बारे में सोच के भी खुश होता, और जिन लोगों को आज भी पैसे के पीछे भागता हुआ देखता उन लोगों के बारे में भी सोच के ये खुश होता. ये ऐसा इंसान था बेटा, क्योंकि दुखी था इसीलिए इसको दूसरों को दुखी देख के भी मजा मिलता. बेटा कहते हैं संसार में आप जब खुद दुखी होते हो, जब आप खुद दुखी होते हो तो आप दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हो. ओके, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. ये लाइन एक बच्चे ने बोला कि सर ये पैराग्राफ वापस समझाइए, मैं पैराग्राफ खाली खत्म कर, ध्यान से सुनिए. पूरी दुनिया उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही, उससे अच्छा बर्ताव नहीं की. द वर्ल्ड एक्चुअली ट्रीटेड हिम बैडली. सो अब जो आपके साथ पूरा चलता है आप उसका अच्छा थोड़ी सोच सकते, आपके मन में भी उसके लिए बुरे ख्याल आएंगे. तो ये पेडलर को भी मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं. बुरे ख्याल क्या आ रहे थे, यार ये पूरी दुनिया ही खराब है, इससे तो अच्छा हो कि पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाए, इसका विनाश हो जाए, इसका सर्वनाश हो जाए, ये खत्म हो जाए. समझे बेटा, ही इज एक्चुअली विलिंग दैट दिस वर्ल्ड शुड एंड, ये वर्ल्ड पूरी की पूरी बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए. समझे बेटा, सो ही इज एक्चुअली विलिंग दिस वर्ल्ड टू बी टू एंड, ये पूरी दुनिया खत्म हो जाए तो अच्छा, मैं सुखी हो जाऊं. समझे बेटा, ओके. अब ऐसे में ये उसका सबसे पसंदीदा, चेरिश्ड मतलब लव, पसंदीदा पास टाइम हो गया कि दिन के दौरान जब ड्रेरी डिप्रेसिंग थका देने वाला, शरीर परेशान करने वाला प्लॉटिंग्स, मैंने पहले भी बताया था प्लॉट का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चल इधर उधर भटकना. तो जब अपने पूरे दिन में ये भटकता रहता तो सोचता कि यार कितने पागल लोग हैं जो इस जाल में फंस चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं, और कई सारे और भी लोग हैं आज भी जो इन मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं. ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पे, आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसकी सबसे लंबी ग्लॉसरी इसी में किया है ट्रैप की. आप में से किसी को कोई भी डाउट हो इतने हिस्से में तो आप चैट में पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट ना हो तो प्लीज रेज योर हैंड. दो डाउट्स आए हैं मेरे पास. बेट का मतलब होता है, मैंने बताया बेटा थोड़ी देर पहले, लालच ललचाने वाली चीज. ऑड मोमेंट्स, अनयूजुअल जो नॉर्मल मोमेंट्स ना हो. चेरिश मतलब लव. स्नार अगेन एक तरह का जाल, पिंजरा. ओके, इट सीम्स अब किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं. वन डार्क इवनिंग एज ही वाज स्ट्रटिंग अलोंग The road, he caught sight of a little grey cottage. तो एक रात, एक शाम के वक्त, जब ये अपने घर की, सॉरी घर तो इसका कोई था ही नहीं, भटक रहा था. समझे बेटा? लड़खड़ाते हुए जब ये चल रहा था, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. उसका क्योंकि कोई घर नहीं था तो इसने मदद मांगी, भाई एक रात सोने के लिए जगह दो, एक रात सोने के लिए जगह दे दो, रह जाऊं यहीं पर.
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक बच्चे का मैसेज आया कि ऑडियो में प्रॉब्लम है, प्लीज कंफर्म करिए ऑडियो क्लियर है कि नहीं। अगर ऑडियो क्लियर हो तो अपना हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज। ओके, सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर सेइंग इट्स करेक्ट, वर्किंग ओके। आज पता नहीं कि थोड़ा नेटवर्क परेशान कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते। वन डार्क इवनिंग ही वाज ट्रेडिंग अलोंग द रोड, ये हो गया शेल्टर फॉर द नाइट, क्योंकि उसका अपना खुद का कोई घर नहीं था तो उसने एक रात रहने के लिए जगह मांगा। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस व्हिच ऑर्डिनरली मेट हिम, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। अब यूजुअली क्या होता है कि जब ये रात के वक्त किसी के घर रहने की जगह मांगता तो लोग इसे अड़का के वहां से भगा देते, लेकिन आज कुछ डिफरेंट था। इसे भगाने के बजाय जो आदमी जिसके घर पे ये गया था वो अकेला इंसान था, ना बीवी ना बच्चा, तो उसने उल्टा इसको रहने के लिए बुलाया। वो खुश था कि मेरे को कोई बात तो करने के लिए होगा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज, एक तरह का खाना होता है बेटा, इट्स अ वन टाइप ऑफ फूड, पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ फॉर बोथ ऑफ द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। उसको टोबैको दिया सिगार सुलगाने के लिए, भी तू भी सिगार पी, मैं भी सिगार पीता हूं। फाइनली गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड एम जॉलिस, एक तरह का गेम है बेटा ये, अब मुझे नहीं पता ये कौन सा गेम है, एम जॉलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेडटाइम। अब आप सोचिए ये इंसान कितना अच्छा है कि उसके लिए इसने भगाया तो नहीं, उल्टा घर पे वेलकम किया, उसको खाना दिया, समझे बेटा, उसको खाना दिया, उसको सिगरेट सिगार दिया, उसके साथ पत्ते खेले। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरल विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है रिचनेस, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, फार्मर बेटा, क्रॉफ्टर फार्मर को कहा, एट रेम्सजोस, रेम्सजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वाज हिज कार व्हिच सपोर्टेड हिम। यस, दैट बॉसी, बॉसी का मतलब होता है मूडी, एरोगेंट, जो अपने मुंह से चले, वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, क्रीमरी मतलब डेयरी, डेयरी को क्रीमरी कहा, क्रीमरी कहा जाता है। एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रॉन्स इन पेमेंट, उसको 30 क्रॉन की पेमेंट मिली है इस गाय के दूध बेचने से। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन इनक्रेडुलस, अनबिलीवेबल, समथिंग ऑन विच यू कैन नॉट बिलीव, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट थ्री रिंकल्ड 10 क्रोन नोट्स, क्रोन बिल्स, दीज ही हैड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट। अब कौन करता है यार ये, मतलब उसको घर पे बुलाया, खाना खिलाया, पत्ते खेले, उसको ये बताया कि मैंने 30 क्रोन कमाए हैं, फिर वो 30 क्रॉन उसको दिखाता है, देख इस पाउच में पड़े हैं, चोर को खजाना दिखा रहे हैं। एंड पिक्ड अप थ्री रिंकल्ड 10 क्रॉन बिल्स, दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ द गेस्ट, नॉडिंग नोइंगली, नॉडिंग मतलब सर हिलाना, एंड देन स्टक देम बैक इनटू द पाउच। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अच्छे मूड में होते। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had got up. तो जब घर का मालिक ही जा रहा हो तो बेड में पड़े रहना बैड मैनर्स है, किसी को नहीं रुकना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसने भी फैसला किया कि सही यही होगा कि मैं चला जाऊं। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the red trap said goodbye and thank you and thereupon each went his own way. उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले। अब बेटा कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है। यहां से आगे क्या हो, क्या वो पेडलर अपने चोरी करने के नेचर के मुताबिक ही चोरी करेगा क्योंकि उसको खजाना दिखा के चला गया है, या फिर वो चोरी नहीं करेगा? और अगर चोरी करेगा तो इसने जो बताया था कि दुनिया एक रेड ट्रैप है, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि खुद एक रेड ट्रैप में फंस जाएगा?
सवाल कई सारे हैं, जवाब सिर्फ एक। आपका नेक्स्ट लेक्चर मंगलवार के दिन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू।